अभी तक सेंट्रल डॉगमा जो आपने सीखा है, सेंट्रल डॉगमा, उसी के अकॉर्डिंग चलते हैं हम लोग। सेंट्रल डॉगमा, ठीक। ये अगर आपको रिप्रेजेंट करने को आया तो ये 1 या 2 मार्क का आता है, उससे ज्यादा नहीं, ठीक है। सेंट्रल डॉगमा का मतलब है कि अगर मैंने यहाँ पे डीएनए मेंशन किया है, ऐसे तो याद है आप लोगों को, डीएनए क्या करता है, आरएनए फॉर्म करने का काम करता है। आरएनए क्या करता है, प्रोटीन को फॉर्म करने का काम करता है, ठीक है। जिसमें से अभी तक मैंने आपको ये डीएनए कैसे रेप्लिकेशन करता हुआ दूसरा डीएनए फॉर्म करता है, मैंने बस ये सिखाया है आपको, ठीक है। उसके बाद डीएनए आरएनए को जब फॉर्म करने का काम कर रहा है, दैट प्रोसेस इज नोन एज ट्रांसक्रिप्शन। और ये जो ट्रांसक्रिप्शन है, अब यहाँ पे क्या है कि ये प्रोक्रियोट्स में भी होगा, ये कहाँ होगा, प्रोक्रियोट्स में भी होगा और यूक्रियोट्स में भी होगा, और कहाँ होगा, यूक्रियोट्स में भी होगा, ठीक है। तो ये जो ट्रांसक्रिप्शन प्रोक्रियोट्स और यूक्रियोट्स में है, अगर सिर्फ प्रोक्रियोट्स में पूछा गया ट्रांसक्रिप्शन 3 मार्क्स, तो ये प्रोक्रियोट्स जो है ये भी अपनी जगह पे इंपॉर्टेंट है, यूक्रियोट्स भी अपनी जगह पे इंपॉर्टेंट है। यूकेरियोट्स वाला अगर लॉन्ग क्वेश्चन में जैसे पहले पूछा जाता था, पहले की मार्किंग स्कीम के अकॉर्डिंग बता रही हूँ, तो ये 5 मार्क्स का। और सबसे अच्छा क्या है, स्टूडेंट से आप ये पूछ लो, व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन ट्रांसक्रिप्शन इन प्रोकेरियोट्स एंड यूकेरियोट्स। तो ये पूरा चैप्टर बेसिकली है क्या, व्हाट इज रेप्लिकेशन, व्हाट इज ट्रांसक्रिप्शन, मतलब दोनों पढ़िए, प्रोकेरियोट्स में भी यूकेरियोट्स में भी, ठीक है। देन व्हाट इज ट्रांसलेशन, ये भी पढ़ना है हमें, ट्रांसलेशन भी पढ़ना है। तो सारे ही 5 मार्क्स के क्वेश्चन है। एक ये प्रोक्रियोट्स के अंदर जब हम लोग ट्रांसक्रिप्शन देखते हैं इसको छोड़ के, बाकी सब का सब क्या है, 5 मार्क्स का ही क्वेश्चन है। कोई भी ऐसा नहीं है जो आप बोले कि हाँ 0 लेवल का है, या फिर अगर हम नहीं भी पढ़ रहे हैं तब भी हमारा काम चल रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। आज की क्लास में अभी जो मैं आपको एक्सप्लेन करने जा रही हूँ, दैट इज ट्रांसक्रिप्शन इन प्रोक्रियोट्स, वो मैं क्या क्लियर कर रही हूँ यहाँ पे, ट्रांसक्रिप्शन इन प्रोक्रियोट्स, ठीक है। ट्रांसक्रिप्शन इन प्रोक्रियोट्स, अब ये ट्रांसक्रिप्शन इन प्रोक्रियोट्स जो है इसको मैं स्टार्ट करती हूँ। ट्रांसक्रिप्शन इन प्रोटीन्स, काफी ज्यादा हेल्प कर रहा है जी।
ट्रांसक्रिप्शन इन प्रोक्रियोट्स, इन प्रोक्रियोट्स। लिखना कैसे है वो मैं आपको बताती जा रही हूँ साथ के साथ, ज़्यादा फोकस करना है इसको समझने पे, ठीक है? बिल्कुल इजी तरीके से, इजीएस्ट वे में मैं आपको समझा रही हूँ, ठीक। सबसे पहली चीज़ मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, ट्रांसक्रिप्शन इन प्रोक्रियोट्स। हो सकता है आपके टीचर आपसे पूछे एक्सप्लेन ट्रांसक्रिप्शन इन बैक्टीरिया, यानी एक्स वाई जेड कुछ भी लिखा हो सकता है, बस आपको ध्यान ये देना है कि क्या पूछा जा रहा है। मतलब अगर प्रिमिटिव ऑर्गेनिजम्स हैं तो ऑब्वियस है कि प्रोक्रियोट्स के अंदर पूछा जा रहा है, अगर एडवांस्ड ऑर्गेनिजम्स हैं मतलब यूकेरियोट्स के अंदर अगर पूछा जाएगा तो वो प्रोसेस मैं आपको बाद में बताऊंगी, ठीक है? सबसे पहली चीज, जब हम लोग ट्रांसक्रिप्शन की बात करते हैं तो इसका मतलब क्या है? तो मतलब यानी कि इंट्रोडक्शन में वही बात आती है, मेरे साथ साथ आप लोग स्पीड बढ़ा लीजिए अगर ये सही सलामत चला, ज़्यादा हैंग नहीं किया तब तो ठीक है, इंट्रोडक्शन में लिख लीजिए। इंट्रोडक्शन में हो जाएगा द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन और सिंथेसिस, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन और सिंथेसिस ऑफ आरएनए From DNA is known as transcription. Known as transcription. हो गया, बस साधारण सी बात है, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। अब जब हम लोग बेसिक स्टेप्स के रिगार्डिंग बात कर रहे हैं, मतलब अगर ये ट्रांसक्रिप्शन हो रहा है कितने पार्ट्स में हो रहा है, हम इसको किस तरीके से कैटेगराइज करने का यहाँ पे काम कर रहे हैं, ठीक। तो ये जो ट्रांसक्रिप्शन है, मतलब ऐसे आसान होगा समझने में आपको, इसलिए मैं ऐसे कर रही हूँ, ट्रांसक्रिप्शन इन प्रोक्रियोट्स, ट्रांसक्रिप्शन इन प्रोक्रियोट्स, इसकी थ्री स्टेप्स हैं, 1, 2, 3। पहला हो गया, नंबर बिठा लेते हैं पहले, 1, 2, 3, ठीक है? फर्स्ट हो गया इनिशिएशन, सेकंड हो गया इलोंगेशन, थर्ड हो गया टर्मिनेशन। बहुत इजी है ये, बहुत ज्यादा इजी है, पहले से दिमाग में इस बात को बिठाना है तो और आसान हो जाएगा, टर्मिनेशन। अब इसमें कौन सी बड़ी बात है? इनिशिएशन का मतलब एक इंग्लिश का साधारण सा वर्ड है जिसका मतलब है कि कहीं पे कोई चीज स्टार्ट हो रहा है, ठीक। लास्ट वाला टर्मिनेशन का मतलब आपको पता ही है, टर्मिनेट हो गया, बंद हो गया, स्टॉप हो गया, सीज हो गया, बचा क्या? इलोंगेशन, ठीक है। अब डीएनए का ये स्ट्रैंड है, एक रेफर करके मैं समझा रही हूँ, ये स्ट्रैंड है, ठीक है? हाइड्रोजन बॉन्ड्स के थ्रू ये क्या थे, ऐसे जुड़े हुए थे। अब अगर आप इसके हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ना स्टार्ट करेंगे तो ऑब्वियस है कि जब ये ऐसे बॉन्ड के टूटने के बाद इसका एक्सटेंशन स्टार्ट होगा तो इलोंगेशन ही तो होगा इसका, जिसकी वजह से हम लोग इसको क्या बोलते हैं, किसका क्या हो गया, इलोंगेशन हो गया, है ना? तो ये तीन इसके बेसिक स्टेप्स हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसको समझने के लिए क्या है, आपके पास एग्जाम में इसको लिखने के दो तरीके हैं, 2 है, 10 है, 5 है, जैसे भी आपको आसान लगे वो आप लिख सकते हैं। सबसे पहला तरीका ये है, मतलब मैं रफ वर्क करके बताती हूँ। सपोज कीजिए आपने यहाँ पे एक स्टेप लिखा, फिर उसके नीचे आपने क्या किया, डायग्राम बनाया, फिर आपने एक स्टेप लिखा, फिर उसके नीचे डायग्राम बनाया, ठीक है? एक फॉर्मेट ये है, दूसरा फॉर्मेट क्या है, सारे डायग्राम आपने ऊपर बना लिए और फिर नीचे आपने पूरी राम कहानी लिख दी जो भी है।
तीसरा फॉर्मेट क्या है? सबसे पहले आपने डायग्राम पूरा समझा दिया, फिर आपने नीचे पैसेज के फॉर्म में लिख दिया। सबसे ज्यादा मार्क्स जो है वो फर्स्ट फॉर्मेट में मिलता है। आपको एक एक स्टेप लिखना है, और एक एक स्टेप लिखने के बाद क्या करना है, उसी स्टेप से रिलेटेड जो डायग्राम है उसको आपको वहां पे ड्रॉ करना है। सबसे ज्यादा मार्क्स उसमें मिलते हैं। ठीक है, चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। स्टेप वन जो है इसका, पहला स्टेप वन, ठीक है, यहाँ पे आपको क्या करना है, नोट करना है। तो उसके पहले सबसे सिंपल सी बात ये है कि आपको क्या करना है, डीएनए का स्ट्रैंड बनाना है। आपने क्या किया, अच्छा नहीं बन रहा है, डीएनए का स्ट्रैंड बनाया। जितनी मर्जी उतना लेंथ दे सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है कि इतना ही बनाना है आपको। ठीक है, दूसरी चीज़, दूसरा स्ट्रैंड बना लीजिए। ये रहा सेकेंड स्टैंड, ठीक है, एक समझ आएगा, सारी बातें समझ आएगी। पोलैरिटी बिठा लीजिए फटाफट। अगर मैंने यहाँ पे, अगर मैंने यहाँ पे पोलैरिटी बिठाई है ऐसे, तो ब्लू वाला जब यहाँ पे एंड होके इधर गया है, तो ऑब्वियस है कि यहाँ पे क्या आएगा, 5 प्राइम। रेड वाला जहाँ पे एंड होके गया, ऑब्वियस है क्या आएगा, 3 प्राइम आएगा। सबसे पहला स्टेप ये है कि जहां से ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट होता है, जहां से क्या होता है, ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट होता है, मैं एक ट्रांसक्रिप्शन यूनिट भी बता देती हूँ आपको। जहां से, जिस भी सेगमेंट से ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट होता है, दूसरा कलर में करती हूँ इसके ऊपर। सपोज कीजिए कि हम ऐसा मान के चल रहे हैं कि यहाँ ये दिख नहीं रहा कोई खास, बहुत अच्छा। सपोज कीजिए ये जो सेगमेंट है, यहाँ पर क्लिक कर देती हूँ ताकि आपको पता चले, ये है, ठीक है। तो यहां से ये ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट होना है ना। तो इतना जो सेगमेंट है, इतना जो क्या है, ये सेगमेंट है, इस सेगमेंट को हम लोग इनिशिएशन साइट भी बोलते हैं, इनिशिएशन साइट भी बोलते हैं इसको। हो गया, होता ये है, या दूसरा नाम इसका क्या है, इनिशिएशन साइट का मतलब है कि आपको यहाँ पे किसको लिखने को बोला जा रहा है, प्रोमोटर रीजन को लिखने को बोला जा रहा है। इनिशिएशन साइट का मतलब है प्रोमोटर रीजन, प्रोमोटर इसी को ब्रैकेट में डालना है। हाँ, ये होगा बिल्कुल सिंपल, ठीक है। देन इस प्रमोटर रीजन पे जहां से इनिशिएशन होना है, वहां पे सबसे पहले एक सिग्मा फैक्टर आके बाइंड करता है, यही पहला स्टेप है। यहाँ पे क्या होता है, एक सिग्मा फैक्टर जो है वो आके बाइंड करता है। सिग्मा फैक्टर फिजिक्स में जैसे लिखते हैं, है ना, ये सिग्मा फैक्टर ये जो सिग्मा फैक्टर है, ये क्या करता है, आके यहाँ पे बाइंड करता है। तो सिग्मा फैक्टर जब बाइंड करेगा यहाँ पे, इनिशिएशन साइट को लॉक किया था मैंने, एक मिनट, इसको करने के लिए, ठीक है। तो ये जो है सिग्मा फैक्टर, ये बाइंड कर रहा है। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, क्योंकि ज्यादातर मुझे सुनने में ऐसा ही आ रहा है, 1 मार्क क्वेश्चन ज्यादा होंगे। पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विच फैक्टर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इनिशिएशन ऑफ ट्रांसक्रिप्शन इन प्रोक्रियोट्स। आंसर इज सिग्मा फैक्टर। कौन आएगा यहाँ पे, सिग्मा फैक्टर आएगा, ठीक है। अच्छा, एक चीज आप याद कीजिए, सपोज कीजिए कि कोई क्या है, साइकिल है आपके पास, ठीक है, साइकिल का एग्जांपल रहने दीजिए। सपोज कीजिए क्या है, बाइक है, ठीक है, साइकिल का एग्जांपल रहने दीजिए, बाइक है। सपोज कीजिए इसमें दो चीजें होती हैं,
एक होता है ऑटो स्टार्ट की। अब बच्चे बोलते हैं मैडम किक नहीं मार सकते क्या? बिल्कुल लगा सकते हैं किक। ऑटो स्टार्ट मतलब कैसे भी करके आपको स्टार्ट करना है। और दूसरा है इसका एक्सेलरेटर, समझिएगा ध्यान से, क्योंकि कंफ्यूजन बच्चों को क्या होती है, मैं अभी लिखवाने जा रही हूँ। एट फर्स्ट सिग्मा फैक्टर बाइंड्स एट द साइट ऑफ प्रमोटर रीजन विद आरएनए पॉलीमरेज। तो बच्चा बोलता है आपने तो लिख दिया विद आरएनए पॉलीमरेज, तो आरएनए पॉलीमरेज लिखा यहाँ पे, तो इसलिए यहाँ पे मैं आरएनए पॉलीमरेज लिख रही हूँ। क्योंकि अगर ऑटो स्टार्ट का काम सिग्मा फैक्टर कर रहा है, तो ये एक्सेलरेटर का काम यहाँ पे कौन करेगा? ये जो एक्सेलरेटर का काम है ये आरएनए पॉलीमरेज करेगा, मतलब रेगुलेट कराने का काम कौन करेगा? आरएनए पॉलीमरेज करेगा। ठीक है, ये फर्क हो जाता है दोनों में। तो यही चीज मैं आपको यहाँ पे समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि सिग्मा फैक्टर तो है ही है, बट सिग्मा फैक्टर के साथ साथ और क्या आएगा यहाँ पे? सिग्मा फैक्टर के साथ साथ आ जाएगा यहाँ पे आरएनए पॉलीमरेज, ये रहा सिग्मा फैक्टर। ठीक है, इस सिग्मा फैक्टर के साथ क्या होता है, यहाँ पे आरएनए पॉलीमरेज भी आके बाइंड करता है। सपोज करते हैं सिग्मा फैक्टर को हमने ऐसे कर दिया, मतलब फैक्टर है कोई सा भी शेप दिखा दीजिए, कोई बहुत वैसे ड्राइंग नहीं करनी इसमें, सिर्फ आपको मार्क करना है एग्जाम में। ठीक है, सिग्मा फैक्टर हो गया विद आरएनए पॉलीमरेज, उसके बाद कौन आएगा? लेकिन हाँ, स्टार्ट करने का काम, ये 2000% गारंटी है कि वो सिग्मा फैक्टर को ऑटो स्टार्ट वाला जिम्मा दिया गया। भाई तुम स्टार्ट करो, और पीछे से उसको रेगुलेट करने का काम कौन करता है? ये रहा आरएनए पॉलीमरेज। मेरी बात समझ आई यहाँ तक? इसमें कोई दिक्कत तो नहीं? स्टेप वन में आसान है। ये जो आरएनए पॉलीमरेज है, ठीक है, ये आरएनए पॉलीमरेज पूरे ट्रांसक्रिप्शन को रेगुलेट कराने का काम करेगा। फर्क दोनों में ये है कि एक इनिशिएट करा रहा है और दूसरा रेगुलेट करा रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, यानी पहला स्टेप इनिशिएशन का स्टेप अगर आप देखना चाहते हैं, तो यहाँ पे क्या है कि आरएनए पॉलीमरेज बाइंड्स विद सिग्मा फैक्टर टू प्रमोटर रीजन एंड इनिशिएट्स ट्रांसक्रिप्शन। हम किस में पढ़ रहे हैं? ट्रांसक्रिप्शन इन प्रोक्रियोट्स पढ़ रहे हैं हम लोग, है ना? तो यहाँ पे लिख देती हूँ मैं, तो यही ऐसे ही डायग्राम बनाना है आपको। हाँ, एक चीज मिसिंग है, एक चीज मिस हो गई, मतलब जल्दबाजी में। आप लोग वैसे भी कर सकते हैं, या एक ही कलर उठा दें ऐसे कर। बॉन्ड्स बनाना भूल गई मैं बीच के, क्योंकि इसको टूटता हुआ भी तो दिखाना है ना। ऐसे ये बॉन्ड्स बनेंगे बीच में, बस ये आपने यहाँ पे ज्वाइन करा लिया। थोड़ा छोटा भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, दिखाना ही तो है। ये हो गया, अब लिख देते हैं इसके लिए जो समझा है ना आपने, मैं वही लिख रही हूँ, रटना नहीं है कुछ इसमें। बार बार मैं वही चीज रिपीट कर रही हूँ, एग्जामिनेशन में बैठते वक्त जो चीजें आपको काम आती है ना, वो सिर्फ आपका कॉन्सेप्ट है। एक्स वाई जेड दुनिया की कोई सी भी चीज काम नहीं देती, उस टाइम सिर्फ आपका कॉन्सेप्ट काम देता है ना। तो यहाँ पे लिख लीजिए आरएनए पॉलीमरेज, आरएनए पॉलीमरेज बाइंड्स टू प्रमोटर रीजन, बाइंड्स टू प्रमोटर रीजन। प्रमोटर रीजन पे किसके साथ बाइंड करता है ये? पता नहीं कहाँ मैंने इसको लॉक किया, इसको थोड़ा नीचे करके ना, थोड़ी जो लिखने के लिए जगह है मुझे। बाइंड्स टू प्रमोटर रीजन, यहीं पे बाइंड कर रहा है विद प्रमोटर रीजन विद सिग्मा फैक्टर, ये रहा विद सिग्मा फैक्टर, सिग्मा फैक्टर एंड इनिशिएट्स
and initiates इनिशिएट्स ट्रांसक्रिप्शन, बस हो गया ये स्टेप वन हो गया, ट्रांसक्रिप्शन को ये इनिशिएट कर देता है, ये हो गया स्टेप वन। ठीक, देन स्टेप टू की बात करते हैं। अब क्या है, स्टेप टू थोड़ा इजी हो जाता है। स्टेप वन क्या था, ये जो है यहाँ पे ऐसे मार्क कर देना है इसको, जी इसके सामने ही लिखना चाहिए, बट कोई बात नहीं, ऐसे भी हो गया। स्टेप वन है तो आपने किसके लिए लिखा है, दैट इज इनिशिएशन। बस स्टेप टू पे चलते हैं, ये कहाँ चलते हैं, स्टेप टू पे चलते हैं, है ना। हो गया एक पेज का क्वेश्चन था इसके लिए, इसे नीचे नीचे स्टडी करें, है ना। ये पेज तो हो ही गया, वो चल जाएगा वो। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, स्टेप टू, दैट इज स्टेप टू। स्टेप टू क्या हो गया इसका, स्टेप टू हम लोग लिख रहे हैं इलोंगेशन। इलोंगेशन ये हो गया, है ना। अब ये जो आपने बनाया है स्टैंड यहाँ से यहाँ तक, इसमें फर्क क्या करना है मैं बताती हूँ। जब ये स्टार्ट हुआ है तो इसको मूव करता हुआ आगे दिखाना है, और जहाँ पे ये आरएनए पॉलीमर, हाँ सिग्मा फैक्टर रिलीज हो जाता है इसके बाद, वो मैं नेक्स्ट डायग्राम में भी शो कर दूंगी। ये जो फैक्टर्स होते हैं ये इनका कोई यूज नहीं होता है एक प्रोसेस को कराने के बाद, जैसे केमिस्ट्री में एंजाइम कैटलिस्ट पढ़ते हैं, इनका क्या होता है, एक केमिकल रिएक्शन कराया उसके बाद फ्री वो दूसरे को कराने के लिए रेडी रहते हैं, वही सब काम यहाँ पे इनका भी है। तो नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे लिखते हैं, ये जो यहाँ पे इलोंगेशन का फेज है, किसका है, इलोंगेशन का फेज है। डायग्राम से भी आपको यहाँ पे बात समझ आएगी, ठीक है। अब इस इलोंगेशन फेज में क्या है कि इसमें जैसे बना था वैसे ही बनाना है, बस फर्क क्या करना है मैं बता देती हूँ अभी आपको। ये देखो, ये रहा, ये हो गया, एक बना दिया आपने। बीच में इसको क्या करना है, ऐसे ओपन करता हुआ दिखा देना है बस, एनसीईआरटी में लिखा नहीं है इसको, कई जगह पे ना ट्रांसक्रिप्शन आई भी बोला जाता है, ये आई जैसा शेप देता है ना, इसलिए इसको ट्रांसक्रिप्शन आई भी बोलते हैं। ये लेबल कर देते हैं, मेन तो इसी की वैल्यू है, डायग्राम है इसकी, लेबलिंग है, इस सबकी वैल्यू है। देखिए अब इसको जब लेवल करते हैं, कट आउट करते जाते हैं, जो पोलैरिटी आपने वहां मेंशन करी थी वही कर देना है, टी प्राइम फाइव प्राइम, देन फाइव प्राइम, एक कभी भी सिमिलर साइड में नहीं होता, ठीक है, हो गया बस। इसका मतलब ये है, इस डायग्राम का ये मतलब है कि आपने आरएनए का जो स्ट्रैंड है, बहुत ध्यान से समझिएगा, आरएनए का जो स्ट्रैंड है, आप कहां से चले थे, यहां से चले थे ना,
तो यहां से लेके आरएनए के स्ट्रैंड को इतना लेंथ भी शो करना है, इतना लेंथ आपको दिखाना पड़ेगा। मतलब आपने यहां से लेके यहां तक बनाया आरएनए, ठीक है, और ये जो स्ट्रैंड यहाँ पे बनाया, ठीक है, तो बनाने के बाद अभी ये प्रोसेस चल रहा है, मतलब कंटिन्यूअस है ना। इसको ट्रांसक्रिप्शन आई भी बोला जाता है कई जगहों पे। एक और सावधानी क्या बरतनी है, फटाफट, मतलब सारी चीजें ऑब्वियस है, ऐसा नहीं कि कुछ रटना है इसमें। ये जब आपने यहाँ पे बना लिया है इसको, यहाँ पे ये बॉन्ड्स टूटे हुए दिखा देने हैं, ये ओपन हो गया, ये बिल्कुल सही में आई जैसा अपियरेंस देता है, इस वजह से इसको ट्रांसक्रिप्शन आई भी बोला जाता है। ये हो गया, ठीक है, फिर इधर वाले तो वैसे ज्वाइन होंगे जैसे होने चाहिए। अब इसमें कुछ रटने वाली बात नहीं, ये सब ऑब्वियस है यहाँ पर। ये देखिए, ये हो गया। अब क्या है, ये क्या है आरएनए, ये क्या है आरएनए स्ट्रैंड, आरएनए स्ट्रैंड, आरएनए स्ट्रैंड है ये, ठीक है। देन सिग्मा फैक्टर जो था ना, अभी इस डायग्राम को थोड़ा ध्यान से देखिए, ये देखिए सिग्मा फैक्टर था ना अंदर, इसको बाहर कर देना है। तो सिग्मा फैक्टर को क्या करते हैं यहाँ से बाहर कर देते हैं, कहीं भी बाहर कीजिए, किधर भी करना है, इधर क्या करते हैं थोड़ा नीचे बना देते हैं सिग्मा फैक्टर, ये गया यहाँ से, काम करा के अपना फ्री हो गया, ठीक। आरएनए पॉलीमरेज जो था उसको रहने, भाई इसका तो पूरा काम है ना, एक्सेलरेटर तो यही है, जितने देर तक ये चलेगा उतने देर तक आरएनए बनेगा। यही कलर लिया था ना शायद, ये थोड़ा लाइट ऑरेंज था, कोई बात नहीं। तो ये क्या है, आरएनए पॉलीमरेज है, ठीक है। तो ये इलोंगेशन फेज में एक्चुअली चल क्या रहा है कि आप यहाँ पे आरएनए पॉलीमरेज का यूज करते हुए, आरएनए पॉलीमरेज का यूज करते हुए पूरे प्रोसेस को कंटिन्यू करा रहे हैं। पूरे प्रोसेस को क्या कर रहे हैं यहाँ पे, आप कंटिन्यूएशन में रखने का काम कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप लिख लीजिए, आरएनए पॉलीमरेज इज रिस्पॉन्सिबल फॉर, इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रेगुलेशन ऑफ, रेगुलेशन ऑफ प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन, रेगुलेशन ऑफ प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन ऑफ प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसक्रिप्शन के प्रोसेस को ये कौन रेगुलेट करने का काम करता है, आरएनए पॉलीमरेज। मतलब सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है इसी के सर पे है, यही यहाँ पे रेगुलेशन का काम करता है, ठीक। अब यहाँ पे हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि इलोंगेशन का जो पूरा का पूरा प्रोसेस है उसको यहाँ पे रनिंग में रखने का काम कौन कर रहा है, आरएनए पॉलीमरेज। मतलब घुमा फिरा के एक ही चीज है, एक ही चीज यहाँ पे बार बार मैं आपको समझा रही हूँ ताकि एग्जाम के टाइम तक याद रहे, ठीक। नेक्स्ट क्या होता है, मतलब आपने इसको यहाँ तक पहुँचा दिया है, अब क्या होगा, आखिरी स्टेप जो आपको दिखाना है, लास्ट स्टेप, उसमें क्या करना है, सबको फ्री कर देना है। लास्ट में जो टर्मिनेटर रीजन लिखा था, अच्छा लिखा नहीं है ना पहले वाले में, दूसरे वाले में लिख देते हैं। यहाँ तो प्रोमोटर, ये देखिए यहाँ आपने जहाँ से स्टार्ट किया ना फर्स्ट वाले में, प्रोमोटर रीजन लिखा, अब हमें स्टॉप करना है, तो हम नेक्स्ट वाले में क्या करेंगे, जहां पे स्टॉप होगा तो टर्मिनेटर रीजन भी हम लोग मार्क कर देते हैं यहाँ पे, ठीक है। इधर का मान लीजिए कोई सा भी साइट है, उसको हम दिखा देते हैं यहाँ पे टर्मिनेटर रीजन, क्या लिख देते हैं, टर्मिनेटर रीजन,
टर्मिनेटर टर्मिनेटर रीजन। मान लीजिए हम लोग क्या करते हैं, इधर तो बहुत दूर हो जाएगा, आरएनए का लेंथ भी उतना बनाना पड़ेगा। सपोज कीजिए कि यहाँ पे शो करते हैं, ये टर्मिनेटर रीजन होगा, मतलब जहां टर्मिनेटर रीजन आप दिखा रहे हैं वहां तक आरएनए का लेंथ भी तो दिखाना पड़ेगा, है ना। तो टर्मिनेशन के लिए मतलब स्टेप थ्री पे चलते हैं, सब इसी में मार्क कर लेंगे, मतलब हो भी नहीं सकता है। चलिए स्टेप थ्री लास्ट वाला जो है, ये हो गया टर्मिनेशन। स्टेप थ्री इज टर्मिनेशन, ठीक है। टर्मिनेशन में क्या है, टर्मिनेटर रीजन के ऊपर एक रो फैक्टर आता है, रो फैक्टर यहाँ पे इस प्रोसेस को स्टॉप और सीज करा देता है, बंद करा देता है ना। तो ये किसका यूज है, रो फैक्टर का, यानी कि टर्मिनेटर फैक्टर यानी टर्मिनेशन फैक्टर यहाँ पे कौन है, रो फैक्टर है, ठीक है। आगे देखिए हम लोग स्टेप थर्ड प्रोडक्ट बना लेते हैं, इसको आई को लास्ट में लेके जाना है, ट्रांसक्रिप्शन आई जो बनाया है आपने, एक जगह ओपन भी दिखाना पड़ेगा। एक को क्या करते हैं हम लोग, थोड़ा सा सपोज कीजिए यहाँ पे टर्मिनेट करते हैं, बिना डायग्राम का मार्क्स नहीं मिलता इसमें। मैं खुद ही नहीं देती तो दूसरे टीचर्स को क्या बोलूँगा, इसकी बहुत इम्पोर्टेंस है, डायग्राम भी बनाना होता है इसमें। चलिए बाकी के लेवल आपको पता है, पोलैरिटी, थ्री प्राइम, फाइव प्राइम, फाइव प्राइम, थ्री प्राइम, बॉन्ड्स, वही सेम डायग्राम है, बस थोड़ा थोड़ा ध्यान रखना है कहाँ पे क्या बनाना है। बॉन्ड्स बन गए, जब काम इनका ओवर हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, तो ये खुद ही ज्वाइन कराने में केपेबल होंगे। ये हो गया। अब यहाँ पे टर्मिनेटर रीजन पे क्या है, रो फैक्टर जो है वो एसोसिएट करके और इसको बंद करा देता है, बट फ्री ही है, मतलब खींचता है आरएनए पॉलीमरेज को वहां से रिमूव करके हटाने का काम करता है। तो दोनों को एक साथ एसोसिएट, बाद का स्टेप एक्चुअली में ये है कि रो फैक्टर भी अपना फ्री हो जाता है, कोई भी फैक्टर हो बैठा नहीं रहेगा किसी के लिए, हमेशा इस बात को याद रखना है, कोई भी फैक्टर आप बनाइए कहीं पे भी, वो कभी एंजाइम है, कैटलिस्ट है, फैक्टर है, वो किसी के लिए बैठा नहीं रहता, काम कराएगा अपना, निकलेगा वहां से, है ना। जैसे वहां सिग्मा फैक्टर था, यहाँ पे कौन है, ऐसे फिजिक्स में ऐसे रो लिखते हैं ना, ये रो फैक्टर है, ये तो है ही आरएनए पॉलीमरेज, दोनों फ्री यहाँ से, दोनों बोलेंगे भाई अब हमारा काम हो गया, हम निकलते हैं यहाँ से, है ना। ये हो गया आरएनए पॉलीमरेज, आरएनए पॉलीमरेज, और ये हो गया यहाँ पे रो फैक्टर, आर एच ओ रो फैक्टर, इसी का दूसरा नाम टर्मिनेशन फैक्टर भी, ऑब्वियस है टर्मिनेशन का काम कराता है तो बोलेंगे टर्मिनेशन फैक्टर इसको, है ना। चलिए आगे चलते हैं। हाँ एक चीज मिसिंग है, क्या मिसिंग है पता है, जब इतना सब कुछ हुआ है तो ऑब्वियस है कि आरएनए तो फ्री हुआ होगा ना यहाँ से, तो आरएनए को हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से ही बना सकते हैं, इसको थोड़ा नीचे करते हैं,
ऐसे भी फ्री होने का काम कर रहा है। अब ये रहा, यहाँ से फ्री हुआ है तो इतना बनाया हमने, इतना लेंथ किसका बनाया हमने, आरएनए का बनाया, आरएनए का बन गया। लिख लेते हैं लास्ट स्टेप जो है, यही था बस, इतना ही है, उसमें लिख लीजिए। स्पेसिफिक स्पेसिफिक टर्मिनेशन फैक्टर, स्पेसिफिक टर्मिनेशन फैक्टर दैट इज रो फैक्टर, रो फैक्टर, फैक्टर विद आरएनए पॉलीमरेज, विद आरएनए, विद आरएनए पॉलीमरेज टर्मिनेट्स, टर्मिनेट्स अ स्पेसिफिक टर्मिनेशन फैक्टर दैट इज रो फैक्टर विद आरएनए पॉलीमरेज टर्मिनेट्स द प्रोसेस ऑफ, द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन, द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन इन प्रोकैरियोट्स, ट्रांसक्रिप्शन इन प्रोकैरियोट्स। नेक्स्ट टॉपिक पे मूव कर रही हूँ, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी, क्लियर है बिल्कुल यहाँ तक। ये मैंने आपको एक प्रोसेस सिखाया है, दैट इज ट्रांसक्रिप्शन इन प्रोकैरियोट्स। इनिशिएट करने का काम कौन कर रहा है, ये रहा सिग्मा फैक्टर, स्टेप वन। इनिशिएट करने का काम कौन कर रहा है, सिग्मा फैक्टर। किस रीजन पे ज्वाइन कर रहा है, प्रोमोटर रीजन। किसके साथ मिलके काम कर रहा है, आरएनए पॉलीमरेज के साथ, ये स्टेप वन है। स्टेप टू में क्या है, यहाँ पे होल सोल पूरा वर्क किसका है, आरएनए पॉलीमरेज का है, ठीक है, यही पूरा काम कर रहा है। ये क्या है, ये आरएनए पॉलीमरेज है, पूरा काम जो है वो इसी के जिम्मे है, आरएनए पॉलीमरेज, आरएनए पॉलीमरेज, ठीक है। देन स्टेप थर्ड क्या है, टर्मिनेटर रीजन पे आके रो फैक्टर बाइंड करेगा और इस पूरे प्रोसेस को सीज और स्टॉप कराने का काम होगा। और उसके बाद ना ये दोनों फिर फ्री हो जाते हैं, आगे जाके फिर ये दोनों खुद भी फ्री हो जाते हैं। ये अब ऐसा तो नहीं है कि एक बार एक ट्रांसक्रिप्शन हुआ तो अब इसके बाद ये बोले कि भाई कॉपीराइटेड हो गया, अब कोई दूसरा स्टेप या दूसरा प्रोसेस होना ही नहीं इसके आगे। ये दूसरे प्रोसेस को भी वहाँ पे रेगुलेट कराने का काम करते हैं, ठीक है। इसके पहले भी मैं बोल सकती हूँ, अभी भी आपको आएगा समझ में, एक्चुअली में इसके पहले एक छोटा सा टॉपिक है, 2 मार्क्स का भी बोल सकते हैं, 3 मार्क्स का भी बोल सकते हैं। ये जो मैंने स्टार्ट किया था ना ट्रांसक्रिप्शन इन प्रोकैरियोट्स, उसके पहले एक छोटा सा टॉपिक है ट्रांसक्रिप्शन यूनिट, ट्रांसक्रिप्शन यूनिट। एक डायग्राम है, मैं अपना टाइम सेव कर दूँ थोड़ा सा, काफ़ी इजी सा है ये, मैं समझा देती हूँ, उससे भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ये काम करें जल्दी से फटाफट, नहीं सुनिए भाई।
शायद इस तरह की लोडिंग देखते काफी इजी सा है, देखा होगा आपने। यही है शायद, है ना, कोई भी चला चला जाए साफ से। चलिए एटलीस्ट 5 मिनट्स तो सही हो ही गया मेरा। चलिए आप समझते हैं इसको। देखिए ट्रांसक्रिप्शन यूनिट का मतलब है, हम यहाँ पे समझने जा रहे हैं, जो आप ये पूरा डायग्राम देख रहे हैं यहाँ से लेके यहाँ तक, क्या है, क्या ये एक्चुअल में एक्चुअली क्या है, ये कि यहाँ पे हमने ये 1 एंड 2 ये दो डीएनए के स्ट्रैंड्स लिए हैं जिसके बारे में हम जिक्र कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, 2 हमारे पास क्या है, यहाँ पे स्ट्रैंड्स ऑफ डीएनए है जिसके बारे में हम सीखने जा रहे हैं। ठीक है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है यहाँ पे, ट्रांसक्रिप्शन यूनिट जब बच्चों को समझना होता है, बच्चों का दिमाग कब घूम जाता है, इस डायग्राम को थोड़ा ध्यान से देखिए। कई यहाँ पे क्या है, ऊपर वाले स्ट्रैंड को पोलैरिटी दी जा रही है 5 प्राइम टू 3 प्राइम, यस और नो, बात समझ आ रही है मेरी, और इसको इधर पोलैरिटी दी जा रही है 3 प्राइम टू 5 प्राइम, 3 प्राइम टू 5 प्राइम। तो कई बार अगर इसको उल्टा बना दिया जाए, उल्टा बनाने का क्या मतलब है, इसका क्या बोलने का मतलब, मेरा मैंने बनाया ऐसी 2 स्ट्रेट लाइंस है, बट मैंने क्या किया, 3 प्राइम टू 5 प्राइम कर दिया, 3 प्राइम टू 5 प्राइम कर दिया, क्या फर्क है दोनों में। अगर हम इधर से रीड करें तो ऊपर हमने जो स्टैंड बनाया है यहाँ पे 5 प्राइम टू 3 प्राइम है। तो एक बात समझिए, आपसे पूछा जाएगा व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन, एक को हम बोलते हैं कोडिंग स्टैंड, एक को हम क्या बोलते हैं, कोडिंग स्टैंड। हाँ, इसको रहने देती हूँ, मैं मुझे फर्क बताना है दोनों में। देखिए, इसको हम हमेशा जब कभी भी जहां भी किसी भी किताब में किसी भी बुक में कहीं पे भी पढ़ेंगे, इसको हमेशा हम लेफ्ट टू राइट रीड करेंगे, ऑलवेज। कहीं भी किसी भी बुक में पढ़िए, अगर वो लेफ्ट टू राइट रीडिंग वाला ऑप्शन आपको दे रहा है तो सही है, नहीं तो गलत है। क्यों मैं बोल रही हूँ पता है आपको, आपको एक बात लिखी जाएगी, आपकी जो बुक है वो एक बात बताती है आपको, कहीं पे भी आप पढ़िए वहां पे आपको बताया जाता है कि जो स्टैंड ऐसा है जिसकी पोलैरिटी 3 प्राइम टू 5 प्राइम होती है, मतलब डायरेक्शन ये है। कैसे हमने लिख दिया आंख बंद करके, हम कैसे अपनी मर्जी से बोल रहे हैं 3 प्राइम टू 5 प्राइम पोलैरिटी,
हम यहाँ पे डायरेक्शन क्या बोल रहे हैं, 3 प्राइम टू 5 प्राइम पोलैरिटी, जबकि मैंने आपको बोला है कि जो सिंथेसाइजिंग स्टैंड का जो डायरेक्शन होता है वो ऑलवेज 5 टू 3 होता है। तो जब आप लेफ्ट टू राइट 5 टू 3 बनाना चाहते हैं तो इसको और इसको दोनों को देखिए। जहाँ मेरी बात समझ ना आए मुझे बीच में इंस्टेंटली उसी टाइम पूछिएगा, मैं आपको वापस से समझाती हूँ। यहाँ पे ऊपर वाले स्टैंड की पोलैरिटी है 5 3 और यहाँ पे नीचे वाले स्टैंड की पोलैरिटी है 5 3। इसकी कहानी खत्म, मतलब ये कोडिंग स्टैंड है। क्यों, वाई भाई? क्योंकि हमें आदत है लेफ्ट टू राइट की, और यहाँ पे जो रीडिंग डायरेक्शन है दैट इज लेफ्ट टू राइट। तो क्या आप राइट टू लेफ्ट बना के दिखाइएगा एग्जामिनर को? नो, हम ऐसा तो नहीं कि उर्दू लिख रहे हैं कि चलो भाई हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं राइट टू लेफ्ट लिखने का काम कर रहे हैं। नहीं, इस डायरेक्शन में तो हमें लिखना नहीं, हमें यहाँ पे किस डायरेक्शन में लिखना है। तो हमेशा इस बात को अपने दिमाग में रखना है, क्योंकि हमें एग्जामिनेशन में 5 टू 3 की तरफ सीधा बिठाना है। तो आप किधर दिखाना चाहते हैं इसको? क्या आप ऊपर बनाना चाहते हैं? मतलब अगर आप इसको ऊपर बनाना चाहते तब तो मेरा ये डायग्राम सही है। अगर आपको मन है कि नया जो आरएनए का स्टैंड है हम ऊपर बनाएं तब मेरा ये ऑप्शन सही है। अगर आपकी मर्जी हम आरएनए का स्टैंड नीचे बनाएंगे तब मेरा ये ऑप्शन सही है। क्योंकि एक मैं फ्रेश पेज लेके आपको एक बहुत सिंपल सी और छोटी सी बात बता रही हूँ, ठीक है? हमेशा इस बात को दिमाग में रखिएगा, हमेशा। अगर मैंने ये लिखा और अगर मैं ऐसे ऐसे बना रही हूँ तो कौन सा सही है? हमारा जो रीडिंग फॉर्मेट है वो क्या है? ये तो गलत है। रीडिंग फॉर्मेट के अकॉर्डिंग हमारा क्या है? ये सही है, क्योंकि हम इंग्लिश में लिख रहे हैं तो ऑब्वियस सही कौन सा होगा? ये। और हमारा यहाँ पे जो एक पैरामीटर है वो हम हमेशा हर जगह पे क्या फॉलो कर रहे हैं? ऑलवेज लेफ्ट टू राइट। क्या फॉलो कर रहे हैं हम यहाँ पे? ऑलवेज लेफ्ट टू राइट। तो लेफ्ट टू राइट जब हम फॉलो कर रहे हैं तो अब देखिए मैं एक चीज यहीं से सिखाती हूँ। ये लेफ्ट टू राइट को मैंने फॉलो कर दिया, ठीक है? तो जब मूविंग डायरेक्शन ये हुआ तो मूविंग डायरेक्शन ये होने का मतलब है कि इसकी पोलैरिटी 2000% कंफर्म है कि इसकी पोलैरिटी क्या होगी? 5 प्राइम टू 3 प्राइम होगी। ऐसे आसान कीजिए इसको, ठीक है? जब इसकी पोलैरिटी 5 प्राइम टू 3 प्राइम होगी तो एक और चीज भी तो क्लियर हो गई कि अगर हम इसको बनाएंगे तो टेम्पलेट से बनाएंगे। दूसरा स्टैंड तो बिल्कुल ही बेकार है। बेकार मतलब उसका यूज होता है, वो कोडिंग स्टैंड है, उसको कभी भी कोड करने में यूज नहीं किया जाता, जिसकी वजह से मैं यहाँ पे आपको बोल रही हूँ उल्टा नाम है उसका, कोडिंग स्टैंड उसको नेम दिया गया है, ठीक है? तो ऑब्वियस है कि जो टेम्पलेट स्टैंड है दैट विल कैरी द पोलैरिटी ऑफ 3 प्राइम टू 5 प्राइम, और जो कोडिंग स्टैंड है उसकी पोलैरिटी बैठ जाएगी यहाँ पे 5 प्राइम टू 3 प्राइम। तो आपकी किताबों में एक बात लिखी है कि जो, यानी कि अब ऊपर वाला स्टैंड क्या हो गया? टेम्पलेट स्टैंड, टेम्पलेट स्टैंड। और नीचे वाला जो स्टैंड है दैट इज कोडिंग स्टैंड। ये क्या हो गया? कोडिंग स्टैंड हो गया। क्या हो गया? ये कोडिंग स्टैंड हो गया। ऊपर वाला क्या हो गया? टेम्पलेट स्टैंड हो गया। ऊपर वाला क्या हो गया? टेम्पलेट स्टैंड हो गया। तो इसके बेसिस पे आप कोई सा भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। इसमें से कितने क्वेश्चंस निकाले जा सकते हैं काउंटिंग नहीं है उसकी। काउंटलेस क्वेश्चंस जो हैं आप इस टॉपिक से यहाँ से बिल्कुल इजीली जो है वो आप बना सकते हैं यहाँ से, है ना? जैसे मैं आपको बताती हूँ कुछ क्वेश्चन देख लीजिए। अगर आपसे पूछा जाएगा कि व्हाट इज द पोलैरिटी ऑफ, क्या पूछा जाएगा आपसे? व्हाट इज द पोलैरिटी ऑफ, एक मिनट में इसको हटा देती हूँ, पता नहीं कहाँ से कुछ ज्यादा ही मतलब ये कर दिया, अंडो कर दिया मैंने, ये पेन कर दिया, कोई बात नहीं, समझ लीजिए। ये कहाँ से आ रहा है मुझे बात नहीं आ रहा, ये सर्कल वाला क्यों नहीं गायब हो रहा है? लॉक हो गया क्या? चलिए हो गया। देखिए तो यहाँ पे अगर आपसे पूछा जाएगा व्हाट इज द पोलैरिटी ऑफ टेम्पलेट स्टैंड, क्या हो जाएगा? आंख बंद करके हमेशा इस चीज को रखना है दिमाग में। अच्छा, हमने सीखा है कि आरएनए जो बन रहा है द सिंथेसाइजिंग डायरेक्शन विल बी ऑलवेज 5 प्राइम टू 3 प्राइम, सो द पोलैरिटी ऑफ द टेम्पलेट स्टैंड विल बी 3 प्राइम टू 5 प्राइम। टेम्पलेट स्टैंड की पोलैरिटी क्या हुई? क्यों बोल रहे हैं हम 3 टू 5? क्योंकि हमारा जो रीडिंग डायरेक्शन है यहाँ पे वो क्या है? लेफ्ट टू राइट है, ठीक है? अगर आपसे यहाँ पे पूछा गया व्हाट इज द पोलैरिटी और डायरेक्शन और एक्स वाई जेड कुछ भी वहां पे लिखा जा रहा है, व्हाट इज द पोलैरिटी ऑफ कोडिंग स्टैंड,
आरएनए कोडिंग रीजन यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। कोडिंग रीजन क्यों लिख रहा है भाई, यहाँ पे अगर मान लीजिए मैं यहाँ पे कुछ कोड्स बिठाती हूँ, यहाँ पे मैंने कुछ कोड्स बिठा दिया, ये थोड़ा फिर हैंग कर रहा है। हाँ मान लीजिए मैंने यहाँ पे बिठाया ए टी जी सी, ठीक है, इसको फॉलो करता हुआ इस पे कोड आएगा टी ए सी जी, तो इसी को पढ़ के तो ये आरएनए भी अपने आप को बनाएगा ना यहाँ पे, है ना। तो इसके कोड का इस्तेमाल तो किया जा रहा है, लेकिन ये कोडिंग स्टैंड जो है नेवर कोड्स आरएनए। कोडिंग स्टैंड जो है इसका नाम ही क्या है, सबसे हंसी की बात ये है कि ये कभी भी कोड करने का काम करता ही नहीं है। कोडिंग स्टैंड नेवर कोड्स, कोडिंग स्टैंड जो है वो कभी भी कोड करने का काम नहीं करता है, ठीक है। तो इसका नाम क्या है, ये जो ऊपर वाला जो स्टैंड आपने बनाया, दैट इज कोडिंग स्टैंड, कोडिंग स्टैंड है ये ऊपर वाला जो स्टैंड है, ये दैट इज कोडिंग स्टैंड है ऊपर का। नीचे वाला जो है ये लिखी दिया यहाँ पे टेम्पलेट स्टैंड, क्या हो गया ये टेम्पलेट। अब टेम्पलेट का उल्टा क्या होता है, नन टेम्पलेट, तो यहाँ पे नन टेम्पलेट स्टैंड लिख दिया, इसमें भी आपको कोई घबराने की जरूरत नहीं। यहाँ पे जो इसकी पोलैरिटी है इसमें मैंने आपकी मास्टरी करा रखी है, कहीं पे आपको कभी दिक्कत नहीं आएगी। सबसे ज्यादा बच्चे जो मिस्टेक करके आते हैं वो इसकी पोलैरिटी में मिस्टेक करते हैं, ठीक है। तो ये भी बहुत बड़ा पॉइंट है अगर आपको पोलैरिटी क्लियर है। हाँ, जिस जगह से जिस पोजीशन से ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट होता है उसको प्रमोटर रीजन बोलते हैं, क्लियर है, ठीक है। देन जिस पोजीशन से ये टर्मिनेशन होगा उसको हम लोग टर्मिनेटर रीजन बोलते हैं, टर्मिनेशन साइट भी बोलते हैं, एक ही बात है, रीजन साइट प्लेस कुछ भी बोलिए वही बात है। तो इसको हमने क्या बोला, टर्मिनेशन साइट टर्मिनेटर रीजन, ठीक है। किसका है, तो ट्रांसक्रिप्शन का टर्मिनेशन साइट है, तो यहाँ पे हमने लिख दिया टर्मिनेशन साइट ऑफ ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है। तो एक प्रोमोटर रीजन हो गया, एक टर्मिनेटर रीजन हो गया, दूसरी लेबलिंग, तीसरी लेबलिंग कोडिंग स्टैंड हो गया, नेक्स्ट क्या हो गया, टेम्पलेट स्टैंड हो गया। हाँ एक और चीज है, यहाँ पे मेरे पास थोड़ा सा स्पेस है, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, देखिए, क्योंकि हमें पता है, मैं इस एरिया की बात कर रही हूँ, पहले मैंने कहा पूरा अपना समझा रही, क्योंकि हम ये इसे छेड़ पता चले, क्योंकि हम इतने से इतने इतने ही जगह के जीन्स का यूज कर रहे हैं आरएनए, देखिए ना यहाँ से लेके यहाँ तक इतना ही लेंथ तो बना है आरएनए का, है ना। तो इतना लेंथ जो हमने आरएनए का बनाया है, तो उसकी वजह से हम लोग इसको क्या बोलते हैं, हम लोग इसको कहते हैं यहाँ से लेके यहाँ तक, तो कहते हैं कि इसके ऊपर स्ट्रक्चरल जीन्स प्रेजेंट है। क्या बोलते हैं, यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, स्ट्रक्चरल जीन्स, लिख लीजिए स्ट्रक्चरल स्ट्रक्चरल जीन्स स्ट्रक्चरल जीन्स क्या हो गया, ये स्ट्रक्चरल जीन्स हो गया, है ना। यहाँ पे स्ट्रक्चरल जीन्स अवेलेबल है, और ये जो स्ट्रक्चरल जीन्स है इसी को फॉलो करता हुआ यहाँ पे जो बनता है वो क्या बनता है, आरएनए ट्रांसक्रिप्ट। अभी अभी बनाया ना आपने, ये क्या बना, जैसे ट्रांसक्रिप्शन यूनिट जो है, तो आपने जो अभी अभी देखा आगे के पेजेस पे जो मैंने आपको सिखाया था, ये जो है, तो ये सब क्या हो रहा है, ये जो प्रोसेसेस देखा आपने, तो आरएनए ट्रांसक्रिप्ट यहाँ पे नेक्स्ट वाले पर ही सीधा चलते हैं, जहाँ पे आरएनए का स्टैंड आपने क्या किया है, बनाया है। तो आपने क्या किया है, यहाँ पे आरएनए ट्रांसक्रिप्ट को फॉर्म करने का काम किया है, मतलब आरएनए का जो स्टैंड बना ना ये, इसको आरएनए ट्रांसक्रिप्ट बोला जा रहा है। बट यहाँ पे क्या किया जाता है, सीधी सी बात आपको समझाई जाती है कि ये जो है एक्चुअली में ट्रांसक्रिप्शन यूनिट है, ये क्या है एक्चुअली, यही जो है वो ट्रांसक्रिप्शन यूनिट है, जो अभी भी सीखा है आपने, बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आज की क्लास में भी, बहुत सारे क्वेश्चंस आपने सीखे हैं, ये ट्रांसक्रिप्शन यूनिट है। आ जाए काफी हैंग कर रहा है आज की क्लास में, पता नहीं मैं क्लिक कब कर रही हूँ, ये कब ओपन हो रहा है, अब आ गया है ना।
एक एक वर्ड इसमें देखिए, सारी चीजें बिल्कुल यहाँ पे आपको क्रिस्टल क्लियर होंगी, है ना। अपने मन से चेंज होता रहता है। अगर आपसे पूछा गया कि मेंशन द पोलैरिटी ऑफ आरएनए ट्रांसक्रिप्ट पोलैरिटी ऑफ आरएनए ट्रांसक्रिप्ट, तो इसकी पोलैरिटी हो जाएगी, बताइए आपको क्या लिखूं मैं, 5' टू 3'। हमेशा ही इसकी पोलैरिटी क्या होगी, 5' टू 3', 5' टू 3'। ठीक है, नेक्स्ट अगर आपसे पूछा गया पोलैरिटी ऑफ टेम्पलेट टेम्पलेट ट्रायंगल, अच्छा एक चीज याद करना है अब आपको यहाँ पे, ये जो 5' टू 3' है ये किसको देख के बना है, टेम्पलेट स्टैंड को देख के बना है, किसको देख के बना है, ये टेम्पलेट स्टैंड को देख के बना है। ठीक है, तो ऑब्वियस है कि इसकी पोलैरिटी क्या हो जाएगी, 3' टू 5', 3' टू 5'। देन एक बचा पोलैरिटी ऑफ नॉन टेम्पलेट, ऐसा भी बोल सकते हैं, पोलैरिटी ऑफ नॉन टेम्पलेट और कोडिंग स्टैंड। नीट के एग्जाम में आप एक बार प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर में ढूंढ के देखिएगा कितने क्वेश्चन हैं, बहुत ज्यादा और बहुत बार पूछा जाता है क्योंकि ये काफी कंफ्यूजिंग टॉपिक है, उसकी वजह से पोलैरिटी ऑफ नॉन टेम्पलेट और कोडिंग स्टैंड। अब इसकी पोलैरिटी इसके तो अपोजिट ही होगा ना, ये तो इसकी पोलैरिटी हो जाएगी 5' टू 3'। कितना क्रिस्टल क्लियर हो गया, साफ साफ बिल्कुल। तो सबसे ज्यादा खिचड़ी जो है वो बच्चों को यहाँ पे होती है ना। और सबसे इंटरेस्टिंग बात ये है कि कोडिंग स्टैंड नेवर कोड्स, किसी चीज के लिए कोड वोड करने का कुछ काम नहीं करता है, इसको बेफालतू का नाम जो है वो कोडिंग स्टैंड का दे दिया गया है। अगर आप देखना चाहते हो कोडिंग स्टैंड का काम क्या है, ये ऐसी ऑर्नामेंटेशन के लिए बस इसके कोड्स का यूज करके टेम्पलेट स्टैंड बना हुआ है। कोडिंग स्टैंड के बारे में अगर आप जिक्र करना चाहते हैं तो ये कोडिंग स्टैंड क्या है, इसकी क्या खासियत है, कोडिंग स्टैंड डजंट कोड फॉर एनीथिंग, कोडिंग स्टैंड doesn't code for anything, कुछ नहीं करता है ये, कोई चीज कोड वोड करके नहीं देता है, ऐसे इसका नाम पड़ गया कोडिंग स्टैंड, ये हो गया। ठीक है, टेम्पलेट स्टैंड बेचारा तो काम कर रहा है, उसके कोड्स का यूज किया जा रहा है, टेम्पलेट स्टैंड। ये क्या हो गया, टेम्पलेट स्टैंड जो है कोड्स आ रहे हैं, शॉर्ट में लिख के निकालते हैं आप, समझ आ रहा है ना आपको, ज्यादा डालकर लिख लिख के आ गए है ना।
अब अगर हम बात करें, बिल्कुल शॉर्ट में निकालती हूँ, देन हो गया, क्या बचा, कौन सा लेवल बचा? प्रमोटर लेवल बचा हमारे पास, प्रमोटर लेवल। प्रमोटर का ये क्या होता है? प्रमोटर रीजन, प्रमोटर रीजन में हो गया। प्रमोटर बिल्कुल शॉर्ट में क्या लिखा जा सकता है? ट्रांसक्रिप्शन इनिशिएशन साइट, है ना? ट्रांसक्रिप्शन इनिशिएशन साइट, बस एक बच्चे आखिरी लिख लीजिए, वो क्यों रह जाए बेचारा, एक बच्चा लिख दीजिए उसको। टर्मिनेटर, कितनी चीजें आपने सीखी बताइए, है ना? टर्मिनेटर रीजन, टर्मिनेटर रीजन हो जाएगा, उल्टा लिख देते हैं इसका। टर्मिनेशन ट्रांसक्रिप्शन टर्मिनेट्स, या ट्रांसक्रिप्शन टर्मिनेशन साइट, ट्रांसक्रिप्शन टर्मिनेशन साइट। तो आपने आज की क्लास में दो टॉपिक सीखा है, दोनों ही इम्पोर्टेंट है, और वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस दोनों टॉपिक से निकलते हैं, देख ही रहे आप, है ना? एक आपने सीखा है ट्रांसक्रिप्शन यूनिट, और दूसरा आपने सीखा है ट्रांसक्रिप्शन इन प्रोक्रियोट्स। नेक्स्ट क्लास में हम लोग ट्रांसक्रिप्शन इन यूकेरियोट्स क्लियर करेंगे, और उसके भी नेक्स्ट क्लास में, हालांकि बीच में बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स भी हैं, बट एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जो बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन है उनको करना ज्यादा अच्छा होगा। तो फिर मैं परसों वाली क्लास में आपको करा दूं, कल तो ट्रांसक्रिप्शन इन यूकेरियोट्स आपको समझना है, टाइम बचा तो एक एक्सपेरिमेंट उसके साथ करा दूंगी, जैसे हर्ष एंड चेज एक्सपेरिमेंट, मिसेस एंड स्टॉल एक्सपेरिमेंट, फिर उसके ट्रांसक्रिप्शन इन आपको यूकेरियोट्स के बाद नेक्स्ट डे ट्रांसलेशन करा दूंगी, मतलब प्रोटीन सिंथेसिस। तो फिर हाँ ये होगा, ऐसे तो अभी काफी डेज लेगा ये चैप्टर, बट हाँ ओवरऑल एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको थोड़ा रिलैक्सेशन हो जाएगा, बहुत सारे क्वेश्चंस भी कवर होंगे उसके बीच में, है ना? कोई डाउट तो नहीं आज की क्लास में? क्लियर है बिल्कुल? नो मैम।